That's a good boy. Now read 4 to 5 times this word. So what do you have to do? Read after me. मतलब कि अर्निंग के लिए मैं आपको एक आइडिया दे दूं, $500-600 इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब 500 तो $600, तो अगर आप 17,000 को कन्वर्ट करें ना डॉलर्स में, तो ये $60 बनते हैं जो कि एक बच्चे ही आपको पे कर देता है। ऑनलाइन कुरान बाहर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 8-10 मिनट अगर काट के वीडियो पूरी देख लोगे तो जान नहीं निकलती। इसके लिए स्ट्रेटेजी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा रूल है कि हम पैसों पे बात ही नहीं करते, गोरा आपका हक नहीं रखता। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। हमारे माशरे में एक बड़ा ही बहरान है कि हमारे हाफिज़े कुरान उल्मा इकराम और माशाल्लाह मौलवी हजरात जो माशाल्लाह 7 साल से दरसे निजामी को पढ़ने के बाद भी बेचारे बेरोजगार होते हैं, किसी मस्जिद का रुख कर रहे होते हैं या किसी जॉब की तलाश में होते हैं। तो आज मुझे लगा कि हमारे माशरे में इस चीज की बड़ी अशद जरूरत है, बड़ी एक अहम पॉइंट है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। आप समझे कि ये एक हर उस बंदे का जो हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, हमारी कॉलोनी या साथ ही साथ हमारे माशरे में कितने ऐसे मौलवी हजरात हाफिज साहब होंगे जो बेचारे बेरोजगार है। जैसा की पिछले दिनों डॉक्टर सुबायल इकराम ये पीट रहे थे और बार बार इस चीज पे फोकस हो रहे थे कि किस तरीके से 8 साल दरसे निजामी पढ़ने के बाद, बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद, तर्जमाए तफसीर पढ़ने के बाद फिर भी वो 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए तगोदो कर रहे हैं। क्या उनको उस पढ़े हुए पे यकीन नहीं है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान, हमारे साथ जो हमारे सबसे डिसेंट, सबसे अदब वाले शागिर्द मौजूद है, माशाल्लाह ये बंदा खुद ऑनलाइन अर्निंग से, जिस तरह हम गैस पोसिंग या कोई भी काम कर रहे हैं, ये माशाल्लाह से कुराने करीम पढ़ा के इधर पाकिस्तान में बैठा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, वहां पे बच्चों को यहाँ ऑनलाइन पढ़ा के भी पैसे। तो हम आज ये चीज को प्रमोट करेंगे, ये वीडियो हम सब के लिए जो है सदका जारिया है कि हम उन उलमा इकराम, उन हाफिज़ा इकराम, उन बंदों को जिन्होंने 8 साल दीन की खिदमत की, उनको इन हाफिज हुसनैन भाई का पैगाम जाए कि किस तरीके से आप घर बैठे कहीं भी जाने के बगैर, किसी भी घर में जाए बगैर, ना कोई पेट्रोल का खर्चा, ये घर बैठे किस तरीके से ऑनलाइन स्टूडेंट को हंट कर सकते हैं, किस तरीके से कुरान करीम पढ़ा के अपना जो है रिज़्क बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपना दीन का काम भी चलता रहेगा और साथ ही साथ दुनियावी कारोबार भी हो जाएगा। तो आज हम मिलते हैं भाई हुसनैन के साथ, ये मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, मुझे लगा कि माशरे में इस चीज की बड़ी ही नीड है। तो हाफिज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाफिज भाई, किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसे बनाते हैं और ये ऑनलाइन कुरान के? अरे सर, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ऑनलाइन कुरान है क्या। लोग, हमारे जो उलमा हजरात है, वो इसको बर्डन समझते हैं कि यार ये शायद हमारे बस की बड़ी ओखी है। जी जी, बहुत ही। और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर आप फिजिकल को किसी को पढ़ा रहे हो, तो इसमें लैपटॉप है, जूम है, और वही कायदा जो उधर ओपन हुआ पड़ा है वही इधर ओपन हो, नूरानी कायदा, बिल्कुल नूरानी कायदा हो जाए, मदनी कायदा हो जाए, कुरान हो जाए, तो आपने बिल्कुल सेम ही पढ़ाना होता है। इसमें सिर्फ लैपटॉप चाहिए, जूम चाहिए, और वो बंदा चाहिए। और वो बंदे जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे? मैंने पर्सनली खुद भी मोबाइल से शुरू किया था और उस मोबाइल से ही अभी मेरे करंटली 3 लैपटॉप। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लैपटॉप नहीं तो आप कुरान पढ़ा नहीं सकते। अच्छी बात है तो प्रोफेशनलिज्म शो होता है, बट आप मोबाइल से भी स्टार्टअप ले सकते, बिल्कुल ले सकते। अच्छा, ये बच्चे अमेरिका में हमें कैसे मिलेंगे? सर, इसके लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स है, डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स है। आज भी ये बड़ी दुख की बात है, हमारे कारी हजरात समझते हैं कि वो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट लगाएंगे तो उन्हें स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। ये मेथड कभी कारामत था जब 2015 तक 16 तक, जब इतनी ऑडियंस नहीं था, लोगों को इतना रुझान नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके लिए डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं, इसके लिए हम एड्स को यूज करते हैं, इसके लिए हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं। लोगों को एड्स भी नहीं यूज करने आते, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए में टारगेट करना चाहता हूं, तो इसके लिए पूरी एक स्ट्रेटजी है कि नॉन मुस्लिम कंट्री में से मुस्लिम्स को कैसे टारगेट करना है, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो थिंग इज दैट कि ये कि मतलब वो जो गोरे हैं, गोरों को छोड़ के वहां जो पाकिस्तानी गोरे हैं, पाकिस्तान मुसलमान, उनको कैसे टारगेटिंग, उनको कैसे टारगेट करना है, देयर इज अ बिगेस्ट लाइक यू नो द स्ट्रेटजी हाउ वी हैव टू टारगेट विद देम। और लोगों को लोग समझते सिर्फ टारगेट, अगर लोग हमसे सीखते हैं तो फिर हम सिर्फ उनको टारगेट करना नहीं, उनको मैनेज करना भी बताएंगे कि यार अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कैसे बात करनी। जैसे आप अभी फर फर बोल रहे हैं इंग्लिश, तो उनको तो आएगी नहीं नहीं, उनको भी आ जाएगी। शुरू में मैं भी ऐसे ही था, तो प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट।
तो प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब वो आपके लिए हमारे पास लाइव आएंगे तो फिर हम अपने वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और उनको अपनी लाइव चैट दिखाएंगे, यार ये देखो बिल्कुल जीरो पे हम कैसे थे। अच्छा हाफिज, आप जो है ऑनलाइन कुरान पढ़ा के आप माशाल्लाह कितनी अर्निंग कर रहे हैं और कब से लगे हुए हैं? सर मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं, मतलब कि अर्निंग के लिए मैं आपको एक आईडिया दे दूं, $500-600 इज नॉट अ बिग डील, मतलब 500 to $600। Yes. अब $500 आप गूगल में लिखें इनटू पीकेआर तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा, और एक बंदा हाफिज हो के एक बंदा जो है कुरान पाक का जो है वो पढ़ा के, वो कभी भी अपने आप को जो है यहाँ पे झूठ साबित नहीं करेगा। और बाकायदा तौर पे हमारी जब एकेडमी में आते हैं हमारे ये शागिर्द हैं, हम इन सबको कहते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन कुरान टीचर है। बिल्कुल ऐसे ही हम सर अपने मेहमत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर दें, बल्कि हमारे दोस्तों को या वो जो आप ही आलमा हजरात हैं उनको नजर आ भी रहे होंगे, जबरदस्त, तो इंशाल्लाह हम ऐड कर देंगे। सर अगर आप देखें ना मस्जिद में जो हमारे उलमा या हमारे भाई हैं वो 12,000, 15,000, 17,000 पे लगे हैं, दैट रियली पेन अस, इसका बड़ा ही दुख है। हालांकि अगर 17,000 को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें, छेती देने ऐसे ही भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, तो अगर आप 17,000 को कन्वर्ट करें ना डॉलर्स में तो ये $60 बनते हैं जो कि एक बच्चा ही आपको पे कर देता है, तो आप देखें डॉलर एक बच्चा। हाँ, दे अच्छा एक और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे बता दे, वीडियो लंबी हो रही है, यूएसए में कितने देंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने देंगे, यूके में क्या रेट है, क्या है उसे? सर इसके लिए स्ट्रेटजी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा रूल है कि हम पैसों पे बात ही नहीं करते, गोरा आपका हक नहीं रखता, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। सबसे पहले होता है कि हम उनको अपनी ना सर्विसेज दिखा दें, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए जान दे देते हैं 50-60, वहाँ के लिए कोई बड़ी बात तो पहले उनको दिखा दें, बच्चे खुश हो रहे हैं, वो सारे मेथड्स वो ट्रिक्स जो हम बताते हैं वो अप्लाई करते हैं, बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, तो पेरेंट्स जब उनको स्माइल करते हैं इंप्रूव करता देखते हैं फिर वो हमसे पूछते हैं कि चार्ज कितना करते हैं। स्टार्टअप में आप फ्री भी पढ़ा दें कुछ दिन, एग्जैक्टली जबरदस्त, इसमें हमारी डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ बता भी देता हूं, जिस तरह हम कहते हैं यार हमसे आप ट्रायल क्लासेस ले लें, हम कह देते हैं आपके 3 बच्चे हैं और अगर लाइक फर्स्ट बच्चे की फी इतनी है, 2 की इतनी है, लेकिन अगर 3ों की पढ़ाएंगे तो 3रा फ्री है। अच्छा यहाँ एक ये भी बड़ा मसला है वो बाय वन गेट वन फ्री लाइक दिस, अच्छा यानी कि 2 बच्चे ने तो 3रा बच्चा फ्री। एक और भी बात है, जब एक मोहल्ले में 2 बच्चे पढ़ते हैं गोरों के तो अगला मोहल्ले ने पता लगे ना वो फिर इस तरीके से रिलेशन बेस पे भी और ताल्लुक बेस पे भी आगे उसके कजन, उसके आगे कजन, उसके मसेर, उसके आगे पतरेर लाइक दिस, तो इस तरीके से गोरे ज्यादा आने लग जाते हैं, रेफरेंस बेस पे भी मिलने लग जाते हैं। अच्छा हाफिज ये बताएं ये बंदे आपके साथ कांटेक्ट कैसे करें, ये सारी चीजें आप इन्हें कैसे सिखाएंगे, इन लोगों के पास सवाए मोबाइल के और इनके पास कोई फीस नहीं है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, इनके पास कोई फीस नहीं, ऑलरेडी हम इनके हालात के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर सके। जी जी अच्छा सर सबसे पहले तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे जो स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है बिल्कुल, और लेकिन ये कि इनको हम पढ़ाएंगे कैसे, इनकी मेंटोरशिप करेंगे तो वो हम जूम पर इनको ले आएंगे, इनको जूम पे, और फिर हर बंदे के ना डिफरेंट चीजें डिफरेंट इश्यूज हैं, बाज को इंग्लिश नहीं आती, बाज के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह इनको जीरो से पकड़ूंगा कि इंग्लिश अगर नहीं आती तो कैसे पढ़ाना है, अगर थोड़ी आती है तो उसको इंप्रूव कैसे करना है, कैसे करना और बेसिक्स ऐड जी जी कैसे वो गोरे बच्चे इनको मिल सकते हैं। एग्जैक्टली सर इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग लाइक ऐड से कैसे हासिल करने हैं, व्हाट्सएप से कैसे हासिल करने हैं, और जो भी डिफरेंट वो ना हो जब व्हाट्सएप पे जाए 25,000 फीस तो नहीं, नहीं सर 25,000 नहीं है, फिर आप 20,000 लेंगे, नहीं सर 20 भी नहीं है। अच्छा कितनी फीस आप चार्ज करेंगे? सर हमने इसके बारे में काफी डिस्कशन की आपसे भी, मैं मशवरा ले रहा था तो वो ऐसे था कि ये जो हमारी ऑडियंस है हफाज है, ये अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि इनके पास इतने होते हैं ज्यादा पैसे नहीं, और ये मेरी अपना एक विजन भी था, डिजायर भी थी कि इनसे आप कहेंगे इतनी के चार्ज करें ये अपनी पर्सनल पॉकेट से दे दें, किसी से कर्जा ना लेना पड़े, इस तरह ये ना थोड़े पैसे भी देंगे ना नेचुरल सा रहेगा, जी जी बिल्कुल, और चीज को वैल्यू भी देंगे, जब चीजें फ्री में हो जाएंगी फिर कोई नहीं पूछता, बिल्कुल ऐसे ना, थोड़ा सा मौलवी ज़ादी चीज को समझते भी है, फ्री च पढ़ाओ तो ना क्यों होता है, थोड़े पैसे लो बिल्कुल, तो ना 10 है ना 20 है ना 15 है ना इवन 5 है, हमने सोचा है कि इसको 2500 पे लेके आते हैं ताकि इनके लिए आसानी हो, ये अपनी पॉकेट से दे दें। 2500 सिर्फ इस चीज का है कि आप घर बैठे किस तरीके से ऑनलाइन कुरान बाहर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बाहर के बच्चों को हंट कर सकते हैं, किस तरीके से बाहर के बंदों के साथ रिलेशन बना के उनके साथ बेसिक्स इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हाफिज आखिरी पैगाम इस वीडियो को वो आप बताएं। सर मेरा लास्ट पैगाम यही है इन दोस्तों के लिए कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका लिंक अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद के साथ या फिर इनकी फैमिली में जो भी हाफिज हजरात हैं, मतलब बहुत सारे हमारे हाफिज होते हैं, इमाम होते हैं हमारे मोहल्ले में, होते हैं कॉलोनीज में, होते हैं हमारे हाफिज दोस्त होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे आपकी वजह से कोई सीखेगा, कोई सीखेगा, कोई पढ़ाएगा, रीजन आप है तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, बिल्कुल आपको जो है सवाब मिलता रहेगा, तो एज अ सवाब के तौर पे ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अपने स्टूडेंट्स से
और मैं ये भी कहूंगा कि ये रमजानुल मुबारक चल रहा है, 2500 रुपए अगर फीस है तो आप हाफिज भाई से जरूर कुरान पाक सीखें। हाफिज जो बच्चे यहाँ से आपको मेरे स्टूडेंट अगर सीख रहे हैं तो यार उनको भी आप 2500 फीस में ही उनको भी आप कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। दूसरी बात, मोबाइल पे कुरान पाक डाउनलोड कर लें, कितने दिन हो गए ने आप ईमानदारी से बताएं, कितने लोगों ने कुरान पाक खोला? कई लोगों ने महीने हो जाने कुरान पाक नहीं खोला। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफर है कि आप भी कम से कम आधे घंटे की क्लास है, सपारा खोल लो, आप जो है नमाज का तर्जमा पढ़ लें, आप कुरान पाक पढ़ लें, आप यासीन सूरत पढ़ लें, आप जो है सूरत अल फजर वो जो है आप उसको पढ़ लें, सूरत रहमान का तर्जमा पढ़ लें, आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं, ये स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी रमजानुल मुबारक में ये ऑफर है कि वो भी 2500 के अंदर पूरा महीना हाफिज भाई। यार इस पाने काटते रहोगे 2500 पाकिस्तानी $10 भी नहीं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। हाफिज बहुत शुक्रिया यार, जबरदस्त, कीप इट अप, अल्लाह आपको जो है वो मजीद तरक्कियां दे, मजीद इस तरीके के नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए हमें भी। और एक और बात, स्पेशली हाफिज भाई जो है ये मेरे घर वाले भी इनसे इंशाल्लाह इस बार क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही हाफिज के यहाँ आने से पहले मैंने कहा पहला जो है वो बंदा मेरा आ जाएगा, पहला बंदा जो है उसको आप टीच करवाएं, उसको पढ़ाएं, मैं स्टार्टअप लेता हूं, मैं यहां से जो है शुरुआत करता हूं। नेकी का काम है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, रमजान में वैसे भी नेकियों की बड़ी बहारें और आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होगी, 8-10 मिनट अगर काट के वीडियो पूरी देख लोगे तो जान नहीं निकलती। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।